खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर जनपद के खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत भुजौली बाजार उप स्वास्थ्य केंद्र भुजौली बुजुर्ग खड्डा क्षेत्र के उप केंद्र पर NM द्वारा डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। बताते चले कि NM अनुसार बताया जाता है कि 2 डिलीवरी आई थी, एक में तो माता और बच्चा स्वस्थ थे लेकिन दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई थी। नौरंगिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। मामला यह बनता है कि NM को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा खड्डा रेफर करना चाहिए था, लेकिन मामला क्या रहा कि NM को नौरंगिया किसी निजी हॉस्पिटल पर भेजना पड़ा। यह मामला कई तरह से अहम सवाल उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटा डिलीवरी के लिए सुविधा मुहैया कराती है, फिर भी निजी हॉस्पिटल क्यों? कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं? मीडिया के कर्मियों द्वारा अथक प्रयास के बाद जानकारी रूबरू हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा प्रभारी डॉक्टर प्रभु कुमार का कहना है कि डिलीवरी के दौरान दिक्कत या अपना असुविधा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना चाहिए था। यदि लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत होती है तो इसके जिम्मेदार NM होंगी। यहाँ पे 2 डिलीवरी हुई है जिसमें एक बच्चा सही सलामत है, वो बच्चा पहले हुआ है। दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, उसका भी बच्चा मतलब होने के वक्त कोई दिक्कत नहीं था, वो भी बच्चा सही सलामत। डॉक्टर को दिखाया गया, उसके बाद से मतलब 2 घंटे बाद कोई कमी सामने नहीं आई है क्या? नहीं, कम सिर्फ कोई कमी सामने। किस डॉक्टर को दिखाया आपने? इनको दिखाया गया, नौरंगिया। नौरंगिया कौन से डॉक्टर? डॉक्टर का नाम पता है आपको? आपने रेफर किया था बच्चे को दिखाने के लिए? जैसे हमने रेफर किया था वहाँ, मतलब हमारा अधिकार है जिला पहले ही और PSC को तेल तत्काल में वहाँ पे ले जाके दिखा दिया अपने माध्यम से। गार्जियन लगे थे?